गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। देखो आज मैंने बनाया है दो बन। मैंने सोचा था मैं क्यों दिखूंगी, आई नो मैं दिख रही हूँ दो सिंग वाली गाय। अभी बज रहे 12:10 या 12:10 नहीं, 12:30 बज गए हैं। मैंने सुबह से व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज आजकल मेरे व्लॉग्स बहुत ही बोरिंग चल रहे हैं, आई नो। तो मैं आज शायद ही जाने वाली हूँ दीदी के साथ शॉपिंग करने के लिए, ऐसे ही कुछ, मतलब बाहर जाने के लिए कुछ चाहिए हम लोगों को, इस वजह से हम जाने वाले हैं। तो क्या करते क्या नहीं करते देखते हैं। गाइस लुक एट माय कारनामास। ओके, मैं यहाँ पर मोबाइल देख के बैठी हुई थी, सब कुछ पानी गिर गया, तो मैंने अभी साफ भी किया। Hey guys, इतनी ज्यादा काम करती हूँ फिर भी मम्मा को आया ना बोलती है मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, लाइक कुछ भी नहीं। मैं करती हूँ आधा काम, दीदी करती है आधा काम, बट सारा क्रेडिट हमेशा दीदी को ही जाता है। हमेशा सबको, सबके सामने मम्मा बोलती है कि दीदी सब कुछ करती है। क्यों बोलती है सबके सामने यार? देखो गाइस दीदी के भी पर्स लाई है, वो दौड़ के जा रही है। और मेरा टेबल देखो, कल मैंने ये दौर साफ किया, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। यहाँ पर सारे मेरे बॉक्सेस, ये मेरे फेक नेल की, वो है ज्योमेट्रिक की बॉक्स। आ गया पार्सल। दीदी आके बोलेगी तुमने क्यों खोला, मैं कहा मैं खोल रहा हूं, से क्या दिया हुआ है। वहां पर वो रो रही है, बोलो इतना नायका की चीजें ना, इतनी अच्छी तरह से पैकेजिंग होती है उन लोगों की, बहुत अच्छा पैकेजिंग होती है। ओ, उसने फेस वॉश ऑर्डर किया है। ओके आई शो यू, उसने फेस वॉश ऑर्डर किया है जो मैं यूज करती हूँ, दीदी मैं दोनों यूज करते हैं। माय गॉड, तुम क्या इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही हो, कर रहे हो, कह रही हो, तुमको लड़की बना दी मैंने। उसके बाद मैं सो गई थी और तब बज रहे थे 4 PM। मामा मुझे दुकान जाने के लिए कह रही थी, मैं दुकान से आके मैं कुरान पढ़ रही थी, तो मैंने ये वीडियो किया। मैं अपने आप को बहुत समझ रही हूं गाइस, समझ रहे हो हालत, मेरी हालत, सबकी हालत खराब, एकदम खराब। उन्होंने बहुत ज्यादा धूप आई थी, यहाँ पर चार्जर लगा के मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर इफ्तारी भी दीदी लेके गई है, अभी हम इफ्तारी करते हैं, देन आप लोग से मिलती हूँ। हेलो गाइस, कहो हेलो गाइस। अभी हमने इफ्तारी कर ली और यहाँ पर अभी चल रही है गुल मीटिंग। मैं दिखाती हूँ कौन कौन है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। ओह माय गॉड, रेडी गाइस, अभी हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। दीदी ने मुझसे गद्दारी कर थी बट मम्मा ने नहीं की, मम्मा ने किया इफ्तारी के बाद हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो मैं रेडी हो गई, अभी हम जाने वाले हैं। दीदी और मम्मा चले गए मुझे छोड़ के, जाते नहीं तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। दिस इज माई आउटफिट, अभी चलती थी। माँ ये नेम मारा मैंने, ये मेरा फेवरेट पेन है, ये मेरी फेवरेट टॉप है। स्कूल की शूज देखते हैं गाइस। यहाँ पर मैं मेरी शूज़ देख रही हूँ और ये शॉर्ट्स पे भी अपलोड हुआ है बाय द वे। सो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी और दीदी और मैं हील्स भी देख रहे थे, बट हमें अभी हील्स नहीं खरीदा है बिकॉज
कपड़े के हिसाब से हील्स खरीदना होगा और कपड़ा अभी तक नहीं खरीदा, तो मैंने शूज़ ले लिया मेरी वाइट एंड ब्लैक। लेके हम जा रहे थे कपड़े देखने के लिए, ये मम्मा पापा दीदी मैं जाते, ये सब इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइनर ड्रेस मुझे दिखे, ये पाकिस्तानी कुर्ती इतने सारे। दीदी को इस बार थोड़ी सी ब्लैक ड्रेस मतलब डार्क ड्रेस लेनी थी, तो वो ब्लैक ड्रेस रही थी और मुझे ये वाली ड्रेस इतनी ज़्यादा पसंद आई, पर मेरी साइज़ की नहीं थी, ये एक्सेल थी या फिर एम थी जो मुझे लूज आ रही थी। तो यहाँ पर दीदी कुर्तीस देख ही रही है, मैं यहाँ पर पापा के साथ आके बैठ गई बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने रोज़ा रखा था। ये कुर्ती मुझे पसंद आई। कपड़े देख रही है, मैं क्या करूँ अभी। मुझे पापा ये लेने के लिए कह रहे हैं। गाइस मुझे पसंद नहीं आ रही है कुछ भी। ऐसे जो फल फल मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रही है। गाइस मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रही है, मेरी कपड़े आज नहीं होगी। एनीवेज हम जाएंगे और एक दिन, ये कुछ भी पसंद नहीं आ रहा भाई, कैसे कैसे कपड़े निकालते हैं। फिर हम वहाँ से निकल के दूसरे एक दुकान पे गए, मैंने सोचा था यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेस थे, मुझे अपना ड्रेस मिल जाएगा, बट एज़ यूजुअल मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। जो पसंद आ रहा था वो मेरी साइज़ की नहीं थी, बहुत बड़ी थी। मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, लाइक कपड़े नहीं है, क्या कहूँ मैं, कपड़े नहीं है। मेरी दीदी ने तो ले लिया यार, इतनी जल्दी लिया, अभी कपड़े नहीं है, देखते हैं क्या होता है। मेरे कपड़े आसानी से कभी नहीं मिलते, कभी भी नहीं, मुझे कुछ भी पसंद ही नहीं आता। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक नया मॉल खुला है स्टाइल बाजार, वहाँ पर गए हम। यहाँ पर जेंट्स के कपड़े हैं, मेरी दीदी दिख रही है यहाँ पर टी शर्ट, एंड हम ऊपर चले गए। हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम गए थे बाय द वे, तो यहाँ पर बहुत सारे यू नो टॉप थे, बट इतना ख़ास नहीं था फिर भी। तो मैंने जा जा के देखा, मेरे कपड़े इतने अच्छे नहीं लगे जितने अच्छे बाहर से लग रही थी। और ये लेडीज़ चापड़ी देखी, मुझे बहुत हंसी आई। आई नो ये वो बास्केट वाला था, तो ये फ्रॉक मुझे थोड़ी सी पसंद आई तो मैंने ट्राई की। और ये हम अभी देखो बाइक से आ रहे थे, नहीं हंस हंस के हम तीनों एक बाइक में आ रहे थे, रास्ते के लोग हमें पागल समझ रहे थे। जानते अभी